मॉर्निंग कैसे हो आप सभी। तो गाइस सबसे पहले यार आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए। मैं आपको बता दूं, मैंने एक 10th और 12th पास वाली वीडियो बनाई थी जिसको लगभग हजारों लोगों ने देखा और कई सारे लोगों ने उस पर कमेंट किए थे। मैंने उस पर बताया था छोटा सा कि आप एयरपोर्ट्स पे, दुबई के एयरपोर्ट्स पे काफ़ी सारे 10th और 12th पास जॉब्स आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि आप ये बताओ कि कौन कौन से वो जॉब्स हैं जो कि हम दुबई एयरपोर्ट्स पर आराम से कर सकते हैं 10th के बाद या फिर 12th के बाद, हमने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारे जॉब्स हैं, कई टाइप्स के जॉब हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कितने तरह के जॉब आप कर सकते हो दुबई के एयरपोर्ट्स पे और उनकी कितनी सैलरी मिलती है और जॉब करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी काम के समय, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट बता दो सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको सैलरी बता दूंगा कितने तक आप सैलरी अर्न कर सकते हो। पहले जॉब्स बता दो कौन कौन से जॉब्स आप कर सकते हो, उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट बता दूंगा, ठीक है। जॉब्स में पहला जॉब आता है, आप क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट के फ्लाइट्स होते हैं उनकी भी क्लीनिंग होती है, जो फ्लोर होता है वो भी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग का काम सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है एयरपोर्ट्स पर, ठीक है। सेकंड काम, आप मिनिमम 10th पास वालों को बता रहा हूँ, कई सारे जॉब्स होते हैं बट जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कई सारे जॉब्स होते हैं, हाउसकीपिंग जॉब्स होते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब्स होती है, वेटर जॉब होती है, यहाँ पे और भी तरह के जॉब्स होते हैं, जैसे कि और भी कई सारे, जैसे कि लोडिंग जॉब, अनलोडिंग जॉब, ठीक है। आपको सामान को लोड करना होता है फ्लाइट में, अनलोड करना पड़ता है, इन सब काम, क्लीनिंग का काम सबसे ज़्यादा मिलता है एयरपोर्ट्स पे दुबई में। और ये काम आप बेसिकली 10वीं के बाद कर सकते हो, क्योंकि फ्लाइट की क्लीनिंग होती है, जो भी प्लेन फ्लोर्स होते हैं उनकी क्लीनिंग होती है, इनसाइड क्लीनिंग होती है, आउटसाइड क्लीनिंग होती है, हाउसकीपिंग होती है, ये सारे काम आराम से आपको मिल जाते हैं दुबई एयरपोर्ट्स पे। और इनकी जो सैलरी होती है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा सैलरी, पहले रिक्वायरमेंट बताता हूं। रिक्वायरमेंट में सबसे ज़रूरी है आप मिनिमम 10th पास हो, आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, 12th पास हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। सेकंड चीज, आपके ऊपर किसी भी टाइप का केस क्राइम ना हो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल हो, किसी टाइप का इलीगल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है, सारे लीगल हो, क्योंकि पकड़े जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में मत करने बताया नहीं था। मैं आपको सैलरी बता दूँ अगर, तो आप मिनिमम अप्रॉक्स लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये 8 घंटे या 12 घंटे के शिफ्ट में आराम से कमा सकते हो, ओटी करके आप और भी ज़्यादा 50-55 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो ये थी बेसिकली छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिला होगा। आप 10th के पास भी 12th के बाद भी जॉब कर सकते हो दुबई में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में, नाइस डे, चैनल चेकआउट करो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी।